कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम दोरू शाहबाद में सेना की 19 आरआर असीम की तरफ से दोरू क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया, जिसे वाईसीसी ने 93 रनों से जीत लिया। जीतने वाली टीम को 10,000 नगद और मेमेंटोस दिए गए। वहीं रनर्स अप टीम को 5,000 नगद पुरस्कार भी दिया गया। सुरक्षा व अन्य कारणों का हवाला देते हुए यूटी जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट सेवा की बहाली को 12 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो दूसरी तरफ दोनों जिलों गांदरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा को भी आगे बढ़ा दिया गया है। जिला डोडा में 2 दिवसीय कार्यक्रम माई टाउन माई प्राइड का आयोजन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, चाहे बाहर के अधिकारियों हों या आम जनता। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम डोडा में पूरी तरह विफल रहा, विभागों के स्टॉल्स खाली खाली नजर आए। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार का असर नजर आ रहा है। श्रीनगर में 70 वर्षों में पहली बार आज के दिन 22 अक्टूबर को ब्लैक डे के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। ये अलगाववादियों के मुंह पर तमाचा है। इसे 73 वर्ष पहले 22 अक्टूबर 1947 को हुए कबाइलियों के हमले के विरोध में देखा जा रहा है। कश्मीर घाटी के जेवर में पुलिस शहीद दिवस के दौरान जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने जानकारी दी कि आतंकवाद व अन्य हिंसक घटनाओं में जम्मू कश्मीर में पिछले एक वर्ष में 40 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें 13 जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत एक नई एयर लॉन्च मिसाइल विकसित कर रहा है, जो 10 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मन के टैंक मार गिराने में सक्षम होगी। इसको DRDO विकसित कर रहा है, जल्द इसका परीक्षण किया जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस उतार चढ़ाव के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमितों के 55,838 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 702 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,06,946 हो गई है और अब तक 116,616 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिवस है। कई दिग्गज नेताओं ने जन्मदिवस पर उन्हें बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की बधाई। हमारा राष्ट्र उस समर्पण और उत्कृष्टता को देख रहा है, जिसके साथ आप भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही बाजारों में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं। करीब 7 महीने सुनसान रहे बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल नजर आने लगी है। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे कामगार भी अच्छे दिनों की उम्मीद से वापस काम पर लौटने लगे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी INS कवारती सौंपी। ये प्रोजेक्ट के 3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पटना में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा के बिहार चुनाव में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प हैं। आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप 2020 से 2025 का नारा दिया गया है। भाजपा है तो भरोसा है। रेलवे के नए टाइम टेबल में कई तरह के बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे। नियमित ट्रेनें चलने के साथ ही 350 से अधिक पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदल दिया जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों की जेब भी ढीली होगी।